टू ऑल एक्सर्विसमैन पेंशनर रिटायरमेंट। यहाँ पे वन रैंक वन पेंशन का एक लेटर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी को भेज दिया गया है। ओआरओपी का तीसरा चरण जो कि 1 जुलाई से इफेक्टेड है, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे 1 जुलाई 2024 से इफेक्टेड है। तो इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट हम देखेंगे यहाँ पे इंडियन एक्सर्विसमैन मूवमेंट। देख सकते हैं इंडियन एक्सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर यहाँ पे देख सकते हैं हमें पीएमओ ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफिस में भेजा है। देखिए यहाँ पे आपको सारा कुछ दिख रहा होगा डिटेल में, चलिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले जितने भी हमारे पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक है सभी को राम राम। आप लोगों को आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देना है 22 जून 2023 का। ये तो सब मीटिंग उन्होंने लिखा हुआ है, लेटर देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और रियल लेटर है 1 जून 2024 का है। देखिए इक्वलाइजेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन ड्यू विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024, जो 1 जुलाई 2024 से इफेक्ट है उसके ऊपर इन्होंने पूरा इसमें खाका बना के तैयार किया है और उसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी को और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीएमओ ऑफिस में भेज दिया गया है। आप देख सभी देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेटर है जिसमें सारा इसमें गतिविधियां तेज हो चुकी है वन रैंक वन पेंशन का थर्ड। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर एक 5 साल में ओआरओपी का रिवीजन जरूरी है। पहला 14 के बाद 19 में होगा, 19 के बाद अब 24 में होगा। आप लोग को ध्यान रहना चाहिए कि इस बार हमारे पेंशन धारक हुआ पेंशन भोगी के साथ जो उनका फिटमेंट फैक्टर है, जो उनका मिनिमम मैक्सिमम है, जो फॉर्मूला यूज होगा, जो भी फॉर्मूला यूज होगा, जो भी इसमें रहने वाला है भूतपूर्व सैनिकों को किस फॉर्मूला से किया जाता है, किसको कितना सही होना चाहिए, किसी भी तरीके का एनोमिलीज या फिर विसंगतियां इस बार ना हो कि हमारे पेंशन धारक व पेंशन भोगी को कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़े, इसके लिए लोग पहले ही चेतावनी हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने दे दी है। ध्यान रहे जितने भी भूतपूर्व सैनिक देख रहे हैं चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए सब्सक्राइब का बटन नीचे देखिए दिया हुआ है, बगल में छोटी सी घंटी दी हुई है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आगे भी ऐसे मिलते रहे। देखिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो लिखा हुआ है नेक्स्ट इक्वलाइजेशन ऑफ पेंशन अंडर वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी स्कीम इज ड्यू विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024, मतलब 1 जुलाई से दूसरा इक्वलाइजेशन होना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ध्यान दे इस चीज के ऊपर, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्विसमैन वेलफेयर लेटर नंबर सारा कुछ दे दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर था 20 मार्च 2023 को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हेयरिंग, यहाँ पे उन्होंने पूरी चीज बताई है पीएमओ को, ओआरओपी 1 में क्या हुआ, ओआरओपी 2 में क्या हुआ, सारा इधर डिटेल में पूरा दिया हुआ है और ओआरओपी 3 की अब बारी है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेटर होने जा रहा है, आप लोग सभी भूतपूर्व सैनिक ध्यान देंगे। देखिए वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी 3 के ऊपर यहाँ पे गतिविधियां तेज हो गई है और आप लोग सब्सक्राइब करके पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहेगा। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।